हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ये पार्ट बन रहा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है मतलब कि व्हाट इज एंटोनियम ऑफ सीनियर, मतलब सीनियर का जो ब्लॉम शब्द है वो क्या होता है, तो वो बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे तो उसका आंसर होगा जूनियर, जो कि होगा फोर्थ नंबर का। तो यहाँ पर सीनियर का उल्टा होता है जूनियर, फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर टू, द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स, ठीक है, तो मतलब कि समय का मतलब दिन का वह समय जब लाइट पहली बार प्रदर्शित होती है, तो उसके आंसर में आ जाएगा हमारा कौन सा, वो देखने वाले हैं। तो पहले आप चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला नंबर, दूसरे नंबर का, जिसमें होगा डाउन, तो डाउन हो जाएगा इसका तो दूसरे नंबर का आंसर, ठीक है ये। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसमें दिया है टू चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट मीन्स, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ट्रांसम्यूट, तो फोर्थ नंबर का इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसम्यूट। फिर हमारा था अगला प्रश्न, इसमें दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप, तो यहाँ पर जो मीनिंग है स्लीप की, ठीक है, वो बतानी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप, हो जाएगा इस नंबर, तो इसका तीसरे नंबर का आंसर सही होगा। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो उनके लिए आप आगे बढ़ के देख सकते हैं जूनियर्स। फिर यहाँ पर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, देखने वाले हैं कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द थिन, ठीक है, तो यहाँ पर जो थिन की करेक्ट मीनिंग बतानी है हमारे लिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा मतलब इग्नोरेंस है, स्पिरिट ऑफ अ पर्सन है, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर देखने वाले हैं। और उसके पहले हमारा है प्रश्न पांचवा, ठीक है, चौथा प्रश्न भी रह गया है। तो यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप, तो वो स्लंबर, ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ थिन, तो इसका आंसर हो जाएगा योर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वाला आंसर, ये योर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वंडरस, ठीक है, तो वंडरस का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये भी देखने वाले हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया फैंसी नीटिंग, ठीक है, वंडरस का मीनिंग हो जाएगा फैंसी नीटिंग। और जो हमारा पहला था सिक्स नंबर, उसका आंसर हो जाएगा फैंसी नीटिंग के बाद हो जाएगा, जहाँ सिक्स नंबर का आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा हमारा स्पिरिट ऑफ अ पर्सन, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर का आंसर, स्पिरिट ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट है हमारा साथ में, इसमें दिया व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड वर्ल्ड वंडर्स, ठीक है, तो तीसरे नंबर का बताया था, तो वो हो जाएगा सही। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, जिसमें दिया गया है, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल कर सकते हैं, देखते हैं उसका आठवें नंबर का हो जाएगा तीसरा नंबर आंसर सही, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर गैलन यूरेनियम, ठीक है। नौवा नंबर का हो जाएगा हमारा चूज द वर्ड ऑफ द फेस टू कंटिन्यू लिविंग स्पाइट ऑफ डेंजर, ठीक है, तो नौवें नंबर का हो जाएगा तीसरा सर्वाइव, फोर्थ नंबर का सर्वाइव आ जाएगा। टेंथ में दिया गया है हमारा क्वेश्चन, तो टेंथ नंबर का जो आंसर होने वाला, तो टेंथ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा द लोअर पार्ट ऑफ दिस बॉडी, ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ दिस बॉडी, द मिडिल पार्ट में द लोअर पार्ट ऑफ दिस बॉडी, तीसरे नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसी का दिया गया है, यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं, दसवीं के बाद में ग्यारहवा दिया गया है, ग्यारहवीं को थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए जिससे कि आप वीडियो को सही से देख सकें। तो नेक्स्ट ग्यारहवा प्रश्न, इसका आंसर हमारा हो जाएगा देखने वाले, ग्यारहवा प्रश्न ये दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका प्रश्न करेक्ट हो जाएगा दूसरे नंबर का। बारहवें नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो उसके लिए देखते हैं, द टू प्रोड्यूस यंगर वंस गिव वन वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्लीप नंबर डाउन, तो इसका हो जाएगा ब्रीज, ये तीसरे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर तेरह, जिसमें दिया चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डेंगल, ठीक है, तो डेंगल की जो करेक्ट मीनिंग है उसका हमारे लिए इसमें आंसर बताना है, तो डेंगल की करेक्ट मीनिंग क्या होती है वो देख रहे हैं तेरह नंबर प्रश्न में। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है, तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा पहले नंबर का, तो टू हैंड्स और स्विंग फ्रीली, ठीक है, टू हैंग और स्विंग फ्रीली, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर चौदहवें नंबर का हमारा पहला वाला हो जाएगा, जिसमें हमारा प्रश्न दिया है गिव एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड ह्यूज, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल। फिर पंद्रहवें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फाउंडेट,
ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके लिए देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड कॉम्रेड, तो यहाँ पर 15वां प्रश्न का आंसर होगा दूसरा, ठीक है। 15वें प्रश्न का एक्चुअली जो होने वाला है दूसरा नहीं है, तो यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड कॉम्रेड, तो इसके लिए आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। फिर 16वें नंबर का प्रश्न, 16वें नंबर का प्रश्न जो हमारा होने वाला है वो है दूसरा जिसमें दिया है, तीसरा दिया है ऑफरिंग। तो यहाँ पर जो सरफेस की मीनिंग है यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, आप क्वालिटी इंक्रीज करके देख सकते हैं, ऑफरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17वां जिसमें क्या है भगत सिंह कॉल्ड द ट्रांसमीटर, फिर उसके बाद में क्या है उसका जो आंसर होगा 17वें का वो आपके लिए बताएंगे थोड़ा रुक के। यहाँ पर बाकी के प्रश्न भी आप देख सकते हैं, उनके आंसर भी आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 18वें नंबर का जो होगा हमारा वो होगा एक नंबर, 18वें का तो हो गया पहला नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहे हो तो अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लिए जिससे कि आप क्लियर देख सकें। तो ये रहे आपकी बाकी के जितने क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पर आपके लिए पेपर तो उपलब्ध हो गया है, आंसर भी आप कहीं से फाइंड कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो उसे लाइक कीजिए। ये रहा हमारा पार्ट टू, क्योंकि तीन पार्ट में ये वीडियो है, मतलब कि तीन पार्ट में पेपर आने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चंस मतलब 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 3-3 मार्क के हैं, तो यहाँ पर इनमें से अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार की रही आपकी प्रश्न, आशा करते हैं आपके लिए वीडियो पसंद आएगी और साथ में इसके लिए लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो ये आपका पेपर है जो आज होने वाला है, ठीक है, मतलब कि 8 फरवरी को। तो इसमें इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, कोई चांसेस का बाकी आप खुद से फाइंड करेंगे। तो वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।